मैम सर अभी ऑनलाइन शो नहीं कर रहे हैं, एक बार मैं उनको फिर से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ऋषिकेश बात हो गई क्या? हाँ बात हो गई मैम, वो आपसे बात करेंगे कुछ देर में। पूनम हम पहुंच गए हैं। हाँ प्रणाम दी, खुश रहो। नमस्ते मैम। इंतजार है क्या? खुश बस रहो। नमस्ते रचना। नमस्ते जी, राजेश जी के इंतजार बस हम लोग कर रहे हैं। राजेश का इंतजार मत करो, मेरे को और भी काम चाहिए। तुम लोग राजेश ओके ठीक है दीदी, हमने स्टार्ट कर देते हैं। आज के इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी प्राचार्य मैडम प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी और हमारे अन्य फैकल्टी मेंबर्स, और इसके साथ ही हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। बच्चों आप सबको पता है कि आप सबका हमारे कॉलेज के साथ पिछले एक साल या दो साल या उससे भी ज्यादा से आपका संबंध रहा है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या एम ए फाइनल के स्टूडेंट हैं। तो कॉलेज के रूल रेगुलेशन के बारे में ऑलरेडी आपको चीजें पता है, लेकिन फिर भी चूंकि पिछले जो स्थितियां थी कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, बहुत सारी चीजें या बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कि एक जिस नियत वे में चलती थी उसमें परिवर्तन लाना पड़ा, परिस्थितिवश हम सबको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ा और हमारे जो एजुकेशन का और विभिन्न जो हमारे कार्यक्रम है उनका प्लेटफॉर्म जो था वो भी चेंज हो गया और हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं पिछले लगभग 1.5 वर्षों से। इसी क्रम में अब हमारा नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और इस नए सेशन में आप सबका वेलकम है। और इस वेलकम के साथ ही हम लोग बस एक बार थोड़ा सा हमारे महाविद्यालय की जो परंपराएं हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में बस थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करने के लिए एक ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं अपनी प्राचार्य मैम का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी प्राचार्य मैम प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी से कि आप हमारे बच्चों को एक ब्लेसिंग्स के साथ उनके इस नए सत्रारंभ में शुभकामना प्रदान करें।
थैंक यू पूनम, और सभी जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को नए सत्र में वेलकम। और पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से हम लोग तरह तरह के संकटों के दौर से गुजरे हैं और उसकी वजह से एजुकेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। कॉलेज काफ़ी लंबे समय से बंद रहे हैं और अभी भी उनके खुलने के विषय में हमें यूनिवर्सिटी से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की ही बात कही गई है। इसके साथ ही साथ आप लोगों की परीक्षाएं भी बहुत प्रभावित हुई हैं और अभी जो इंटरमीडिएट सेमिस्टर्स थे उनमें परीक्षाएं नहीं ली गई और असाइनमेंट के बेसिस पर, साथ ही साथ उनके जो पिछले सत्रों में उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर उन्हें मार्क दिया जा रहा है और शायद इस सत्र में भी इसी प्रकार से होगा। तो ये एक कठिन परिस्थिति है, लेकिन महाविद्यालय आपके वेलकम के लिए एकदम सुसज्जित है क्योंकि हमारी नई बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, उसमें कुर्सी में सब लगी हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं, तो वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन छात्राओं का आगमन चूंकि नहीं हो रहा है, इस वजह से अभी घर से ही पढ़ाई करनी है। घर से पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्लास में सिंसियरली जुड़ें, से उस क्लास को लें। ऐसा न करें कि आप क्लास में ऑन करके अपना भी लिंक और उसके बाद हट जाएं और पढ़ाई ना करें, क्योंकि अगर इसी तरह से पढ़ना है तो हमको इसे गंभीरता से लेना होगा। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर अगर आपकी शिक्षिकाएं आपको बुलाती हैं महाविद्यालय कुछ विषयों में, जैसे म्यूजिक में, सितार में, पेंटिंग में, या जिनमें और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी वगैरह, इनमें भी हो सकता है कि टीचर कभी कभी आपको बुलाएं, तो आप अवश्य आए अपने घर से परमिशन लेकर और सारे जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन का काम ज़रूर कर लें। आप सभी अवश्य 18 वर्ष से ऊपर के होंगे और आपको वैक्सीन लग सकता है, तो आप प्रयास करें कि आपको वैक्सीन लग जाए। आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको कॉलेज आने में आपको भी चिंता नहीं होगी और हमारी जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हमारा जो ऑफिस स्टाफ है, उसको भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे स्टाफ ने लगभग 100% वैक्सीन लगवा लिया है। एक आध लोगों को छोड़कर सभी को वैक्सीन लगा हुआ है, तो इसलिए वैक्सीनेशन पर बहुत जोर देना है। और अभी तो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल भी रहा है, वैक्सीन उपलब्ध भी है, तो इसके लिए आप प्रयास कर लें, इससे हमारी जो छात्राएं महाविद्यालय आए वे सुरक्षित हो। इसके अतिरिक्त आप महाविद्यालय से मेल के माध्यम से अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप अवश्य मेल करें, किंतु ये समझते हुए मेल करें कि ज़रूरी है। अगर आपको गैर ज़रूरी लगता है तो उसको बार बार इस तरीके से कॉलेज का को मेल न करें। जैसे मैंने देखा कि मार्क्स को लेकर लड़कियों को चिंता रही है, जहाँ तक जेन्युइन चिंताओं का प्रश्न है, हम लोगों ने उसको BHU को फॉरवर्ड भी किया है, टेकअप भी किया है और समस्याओं का हल भी निकाला है। लेकिन ये भी सोचिए कि आपने पेपर कैसा किया, आपकी टीचर आपसे क्या बता रही हैं, आप उन सबको ध्यान में रखते हुए और उसके पश्चात ही मार्क्स के लिए आप लिखें, क्योंकि असाइनमेंट वाला जो टेस्ट वाला जो पार्ट है वो टीचर खुद चेक करती हैं और वो अपनी छात्रा को कभी भी उसके साथ अन्याय नहीं करेंगी, उसके साथ न्याय करेंगी, उसको सही नंबर देंगी। तो इसलिए उसमें आप अपनी टीचर से पहले बात करें, समस्या का हल वहाँ पर निकालें। इसके अलावा जो छात्राएं शहर के बाहर हैं उनको भी मुझे मालूम है कि दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इन्फ्लिपनेट के माध्यम से बहुत एक बड़े जो मैगजीन्स और जर्नल्स का एक रिपोजिटरी है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कल बताया भी जाएगा कि कैसे आप एनलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं,
कॉलेज इन्फ्लिपनेट के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप जर्नल्स, किताबें, बहुत सारी जो वहाँ उपलब्ध है उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोकल छात्राएं हैं उनके लिए लाइब्रेरी, ये कहा गया था कि वे आकर किताबें ले सकती हैं और समय से फिर वापस भी कर सकती हैं। अगर आप बाहर के हैं तो आप समय पर किताब वापस नहीं कर पाएंगे और किताब एक जगह पे ही बंद के रह जाएगी। तो ये सारी जो बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, महाविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है उसको आपको ध्यान में रखना है, अनुशासन को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही कॉलेज की बहुत सारी कमिटीज हैं जिनके जो आपसे जुड़ी हुई है छात्राओं से, जिसके बारे में वेबसाइट पर दिया भी गया है, आप उनको देख सकते हैं। आपके स्टूडेंट एडवाइज़र हैं डॉक्टर पूनम पांडे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और वो बहुत सहूलियत के साथ आपकी समस्याओं का हल निकालती है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त तो उनकी एक पूरी कमिटी है और साथ ही साथ बहुत सारे अन्य जो हमारे कार्यक्रम हैं या छात्राओं से जुड़े हुए जो, जैसे प्लेसमेंट सेल है, जैसे कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल है, जैसे सर्जना का एक हमारा प्रकोष्ठ है, इसी तरीके से मैगजीन कॉलेज की छपती है, उसके लिए भी आप अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं, कविताएं दे सकते हैं। ये सभी बातें आपको आगे अभी विभिन्न समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो लोग बताएंगे और आप उसको ध्यान से सुने, नोट करें और वेबसाइट को विजिट करते रहें। वेबसाइट पे बहुत सारी सूचनाएं वहां पर दी जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और आने वाले सत्र के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए और आपके लिए हम अच्छा कर सके इस प्रयास के साथ हम काम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अच्छा करें, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने, जीवन को अच्छी तरह से जिए, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। इन शब्दों के साथ करती हूँ और पांडे आगे की कार्यवाही। थैंक यू मैम। तो बच्चों, जैसा आपने प्रिंसिपल मैम को सुना कि हमारी बदली हुई जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए जो आज की हमारी जरूरतें हैं उनके साथ महाविद्यालय जो है वो प्रतिदिन आपके विकास के लिए विभिन्न तरह के आयाम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। ऑनलाइन माध्यम में विभिन्न प्रकार के वेबिनार, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज या तमाम अन्य जो माने जो जानकारियां हैं वो आपको ऑनलाइन माध्यम से टाइम टू टाइम प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है महाविद्यालय के द्वारा। स्टूडेंट एडवाइजरी कमिटी की तरफ से मुझे आपको कुछ बातें बतानी हैं, हालांकि आप सब पहले से ही उन चीजों को जानते हैं, पर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि आज की हमारी जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें, ठीक है, हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहा है या कॉलेज में डे टू डे हम नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से रिलेटेड जो आमतौर पे पीछे जो समस्याएं उत्पन्न होती थी वैसी समस्याएं हमें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं, लेकिन डिसिप्लिन से रिलेटेड हमें दूसरे तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अभी हमारी प्राचार्य मैडम ने भी बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस में आप कनेक्ट होते हैं और जैसे ही आपकी टीचर ने आपको एडमिट किया उसके बाद आप अपना कहीं भी, आपका जो डिवाइस है कहीं भी रख के आप अपने दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। तो बेटा ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जो क्लासेस, जो टाइम टेबल बनाया गया है, जो क्लासेस अरेंज की जा रही हैं वो आप ही के लिए, आप ही के ज्ञान वर्धन के लिए किया जा रहा है। तो आप ऐसा क्यों आपको लगता है, जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे सिंसियरली जो है वो जुड़े भी रहते हैं और पढ़ते भी हैं और जो उन्हें नहीं समझ में आता है वो प्रश्न भी पूछते हैं। जो बच्चे माने जुड़ के और फिर डिवाइस कहीं रख के वो दूसरे काम में अगर व्यस्त हो जा रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ कि कृपया सिंसियरली जो भी आपकी क्लास की पढ़ाई है उसको आप उस टाइम पे पढ़ें,
जब भी आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी तरह की कोई असुविधा किसी दिन आपको है तो आप अपने जो भी कंसर्न टीचर हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि आज हमको ये असुविधा है और इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई या नहीं क्लास करूंगी। बाकी मतलब इस तरह से जो मतलब एक बेवकूफ बनाने वाला जो प्रक्रिया है उसमें हमें नहीं लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब टीचर्स के पास हमारी अटेंडेंस आ गई और मतलब टीचर को लग रहा है कि हम प्रेजेंट हैं और हम भले कहीं भी कुछ भी करें, तो इससे आप टीचर के लिए कोई समस्या बहुत ऐसी नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर विषय और हर लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, आपके आगामी जीवन की जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसमें सहयोग के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि सभी लोग सिंसियरली अपनी क्लासेस के अतिरिक्त मुझे ये बताना था कि जो आपके सिलेबस और बुक से रिलेटेड पिछले साल बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई, बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास आए, तो कृपया जो आपका सिलेबस है और आप सिलेबस से रिलेटेड जो किताबें हैं वो आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं जो उस कंसर्न पेपर को पढ़ा रहे हैं वो आपकी क्लास में बता देते हैं। तो आप किसी शॉप पे खड़े होके या कहीं जाकर और आप ये किसी भी टीचर को आप कॉल करके बताएं कि अब हमको जल्दी किताब बता दीजिए, तो ये चीज बड़ा अनुचित है, ऐसा मत कीजिए। आप अपने कंसर्न क्लास में अपने जो भी सिलेबस है उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उस जो किताबें हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए और सभी टीचर्स इसके बारे में आपको समुचित जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप क्लास छोड़ करके और अपनी सुविधा अनुसार बाद में टीचर्स के पास फोन करके और उनसे आप सिलेबस या किताबों के बारे में जानकारी जानने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये भी अनुशासनहीनता है, तो कृपया ऐसा ना करें। इसके अलावा मुझे ये बताना था कि चूंकि आज की परिस्थिति में सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी तक तो हो रही हैं और मतलब आगे भी होने के लिए जो निर्देश है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही होने के लिए निर्देश हैं। तो स्टूडेंट एडवाइजरी कमिटी की तरफ से आपको ये निर्देशित किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई कलेक्शन या कोई इवेंट अगर आप बिना कमिटी को इन्फॉर्म किए या बिना कमिटी की सूचना जानकारी के अगर आप अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए, ये गलत है, ये अनुचित है। कोई भी इवेंट आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम, चाहे अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करने के लिए सोच रहे हैं या किसी भी तरह का प्रोग्राम इवेंट, जैसे टीचर्स डे आने वाला है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम टीचर्स डे पे कुछ प्रोग्राम करें, तो जो भी कुछ अगर आप करने के लिए आपके मन में विचार आ रहा है तो आप स्टूडेंट एडवाइजरी कमिटी की जानकारी से, उसकी सहमति से ही किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कलेक्शन या कोई भी सूचना सर्कुलेट करें। अब अन्यथा मतलब अपने आप से अब स्वतः की अपनी जानकारी या स्वतः से बिना टीचर्स के कंसर्न से आप कोई भी सूचना मत प्रसारित करें, क्योंकि कई बार आप गलत सूचनाएं प्रचारित कर देते हैं और जिससे बहुत ज्यादा केओस मच जाता है और एक अलग तरह की असुविधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात मुझे ये भी बतानी थी कि जैसा हमारी प्रिंसिपल मैम ने बताया ही कि वैक्सीनेशन जो है वो आज के दौर में, आज के सिनेरियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन से संबंधित, कि हमारी सारी जरूरतों सारे कार्यों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम सभी जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ऐसे में आप सभी अवेयर हैं और आप सभी अपने आप को, बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेट करवा चुके होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को एक डोज लग गया हो, कुछ को सकता है दोनों डोज भी लग गया हो, पर अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको की वैक्सीनेशन कराने में असुविधा हुई है या जो अभी अपने स्तर पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस को नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपने कंसर्न जो ऑनर्स टीचर हैं
उनको वो इस बात की सूचना प्रदान करें। अगर महाविद्यालय में 100 या उससे अधिक बच्चे वैक्सीनेशन कराने के लिए इच्छुक होंगे तो ऐसे में महाविद्यालय प्रांगण में वैक्सीनेशन की व्यवस्था किए जाने पे भी प्रयास किया जाएगा और आपको उचित जो भी दिन समय होगा वो आपको बता करके और आप वहां उपस्थित होकर अपने आप को वैक्सीनेट करवा पाएंगे। लेकिन माने उसके लिए हमको कम से कम 100 या उससे अधिक की संख्या चाहिए होगी। तो अगर ऐसे बच्चे जिनको की असुविधा है अपने जहां भी वो रह रहे हैं वहां पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाने में अगर उनको दिक्कत असुविधा हो रही है तो वो अपने ऑनर्स टीचर को इन्फॉर्म करें और उनके सहयोग से हम उनकी संख्या जब हमें पता चल जाएगी उसके आधार पे आगे की जो कार्यवाही होगी जो हमें इंफॉर्मेशन उनसे चाहिए होगी उसके लिए हम उनको मैसेज करेंगे और आप उस पे अपना उचित जो भी आपका डिटेल मांगा जाएगा वो देके और आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि बच्चे जो हैं वो आज की जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को वो भी माने चीजों को ऑप्ट कर लिए हैं और महाविद्यालय जो है वो निरंतर आपके सहयोग और आपके विकास के लिए निरंतर खड़ा है। हमारे सारे टीचर्स, हमारा सारा ऑफिस स्टाफ, सभी लोग निरंतर आपकी हर समस्याओं का समाधान करने को तत्पर हैं। इवन आप खुद भी, आपको लगता होगा कि कभी भी किसी भी समय आप सुबह या रात में 10 बजे रात में 9 बजे रात में आप कभी भी अपने टीचर के पास भी फोन कर लेते हैं या कभी भी ऑफिस स्टाफ के पास भी फोन कर लेते हैं। तो ठीक है, विषम परिस्थिति में आप जरूर फोन कीजिए, हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन सामान्य जानकारियों के लिए अगर आप ऑफिस टाइम में ही या अपने क्लास में अपने टीचर से अपनी जो समस्याओं का समाधान कराएं तो हमें लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं उनको अन्य तरह की व्यस्तताएं भी हैं, कभी वो मीटिंग में रहते हैं, कभी वो किसी और समस्या में फंसे रहते हैं और किसी भी समय आप उनसे फोन कॉल करके और किसी भी तरह का प्रश्न पूछने लगते हैं, ये जरा सा अनुचित लगता है। अगर कोई विशेष समस्या है तो आप जरूर फोन कॉल कीजिए और 24 आवर्स मोबाइल ऑन रहता है, एटलीस्ट मेरा तो ऑन रहता ही है, और किसी भी समय आप हमें कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं और उसका यथासंभव यथाशीघ्र समाधान मैं निकालने की कोशिश करूंगी। जितना भी मेरे कार्य क्षेत्र या मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आएगा उसके अनुसार मैं जरूर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस तरह के प्रश्न आप कृपया अगर अनायास फोन करके ना पूछें कि कहीं भी शॉप पे खड़े होके कि मैम इस बुक का नाम बता दीजिए, मैम इस पेपर का नाम बता दीजिए, तो वो आपको क्लास में हर बार बताया जा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो आपको किताबों के नाम और जो भी उचित जानकारियां आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि कॉलेज में बहुत सारी कमिटीज हैं जो आपके विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और जिनसे कि आपको मदद, आपको भी उसके साथ जोड़ा गया है। और चूंकि ये जो ऑनलाइन वाली व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसे में जो पिछले वर्षों में आपको शायद पता ही होगा, जो लोग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, मतलब ऑफलाइन व्यवस्था में भी जो क्लास अटेंड किए हैं, कि हम लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन किया करते थे आपके क्लास में। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं ऐसी अब नहीं है कि हम इलेक्शन करवा पाए, ऐसे में सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से हमने आपके लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको नॉमिनेट किया है। और जिनको हमने नॉमिनेट किया है, अभी मैं आरती मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनका नाम पढ़ दें। मुझे आपसे ये बताना है कि जिनका नाम मैं या आरती मैम आपको अभी बताएंगे, उसमें से अगर किसी बच्चे को कोई असुविधा होगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करने में, तो वो मुझसे या हमारी कमिटी से अपनी असुविधा बताएगा। या अगर आपको लगता है कि जिन लोगों को हमने नॉमिनेट किया है उसके अलावा भी कोई और बच्चा ऐसा है जो आपकी बातों को हमारे तक पहुंचा सके या आपके साथ जो ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, तो ऐसे में आप उसका नाम भी हमें या हमारी कमिटी तक आप भेज सकते हैं
और हम उसको भी इस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम ऐड कर लेंगे, और जिससे कि सुविधाएं जो कार्य है वो सुविधापूर्ण तरीके से चले, इसका हम पूर्ण प्रयास करेंगे। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिर्फ हमारे डिसिप्लिन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि कॉलेज के जितने भी इवेंट हैं, जितनी भी कमिटीज हैं, जो कुछ भी कार्यक्रम कॉलेज में होगा आपके लिए, उन सारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचाना, या आप अगर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसकी सूचना हमारे तक पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी। यानी कल्चरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कल्चरल कमिटी की, उसमें भी आपके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, डिसिप्लिन में तो करेंगे ही। जो हमारी लाइब्रेरी से संबंधित जो क्वेरीज या जो समस्याएं आपकी होंगी, उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव, जैसा आमतौर पे पिछले वर्षों में आपके हर क्लास से 4 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे, तो इस बार हम लोगों ने वो संख्या थोड़ी बढ़ा दी है, जिससे कि इजी वे में सभी विषय के बच्चे अपनी बातों को, अगर उनकी कोई समस्या है तो वो हमारे तक पहुंचा सके, या हमें अगर आप तक कोई बात पहुंचानी है तो सुलभ तौर पे वो चीजें आप तक पहुंच जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आरती चौधरी जी से कि कृपया वो रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम जो है वो अनाउंस कर दें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। माय नमस्ते टू ऑल सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एंड माय लव टू द स्टूडेंट्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन अ न्यू फ्रूटफुल ईयर ऑफ आवर कॉलेज। So I know you all are so eager to listen the name of the representative. So I do not take any time, and I'm going to announce the name of the representatives of different streams. So the BA second year social science representatives, and their names are Adya Tiwari, Vaishnavi Singh, Divyani, दिशारी विश्वास, आंचल यादव। दे आर फ्रॉम द बीए सेकेंड ईयर सोशल साइंस डिपार्टमेंट। नाउ बीए सेकेंड ईयर आर्ट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर उदिता त्रिपाठी, नंदिनी, प्रतिभा सिंह, अनुष्का सिंह, अनामिका मिश्रा। Now, BA third year social science, and the representatives are Ankita Singh from History Department, Ananya Gupta from Economics Department, Utkarsha Sinha from Political Science Department, Adya Shukla from Sociology Department, Khushi Mehrotra from Psychology Department. Now, BA third year arts, and the representatives are Prerna Shukla from Hindi Department, Sushmita Singh Yadav from Sanskrit Department, Shreya Manna from English Department, Priya Verma from AIHC Archaeology Culture Department, Ayushi Goswami from Music Vocal, and Priyanka Jaiswal from Painting Department. Now, MA final year representatives, and the names are Vasudha Kumari from Political Science, Shweta Mishra from Archaeology and Culture Department, Sonali Yadav from Department, Nishi Mall from Sociology Department, Anjali Maurya from Sanskrit Department, Nazifa from History Department, Jyotsana from English Department, Shyantani Ghosh from Psychology Department, Khushbu Singh
from Home Science Department, Babuli from Philosophy Department, and Sunidhi Agrawal from Economics Department. So all representative, very congratulations to all of you. If somebody have any problem, then let us inform. Thank you very much. Over to you, ma'am. Okay, thank you, Aarti. जैसा कि आरती ने बताया, अगर आप में से किसी को भी कोई असुविधा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करने में, तो आप हमें या हमारी कमिटी को इन्फॉर्म करें, या बच्चों से भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इनके अतिरिक्त किसी और को आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहे हैं तो आप भी हमें सूचित करें और हम जरूर उनको भी सम्मिलित कर लेंगे। इस क्रम में हम लोग अब आपसे कुछ कुछ डिसिप्लिन और बाकी बातें हो गई, अब हम लोग थोड़ी आगे की बातें कर लें कि कॉलेज में बहुत सारी कमिटियां हैं जो जो कि आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं और टाइम टू टाइम जो कि आपको तरह तरह की सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये जो कमिटियां हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी लाइब्रेरी कमिटी है, जो चूंकि आप महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत रिच लाइब्रेरी है, बहुत तमाम विषयों की तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकें वहां पर हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो हम चूंकि ऑफलाइन व्यवस्थाएं थोड़ी टूट रही हैं, ऐसे में ऑनलाइन स्तर पे आप लाइब्रेरी को कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकें, इसके लिए एक लाइब्रेरी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कल यानी 10 तारीख को कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आपको बाकी सारी डिटेल्स बताई जाएंगी और आप जरूर उसको अटेंड करें। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुप्रिया सिंह जी से कि कृपया वे आए और पब्लिकेशन कमिटी के बारे में बताएं। सुप्रिया सिंह, पब्लिकेशन या मैगजीन? मैम Am I audible? हाँ सुप्रिया। Yes ma'am. मैम पब्लिकेशन या मैगजीन कमिटी? बच्चों के लिए मैगजीन वाला बता दो सुप्रिया। ठीक है। ओके, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस न्यू सेशन, एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज अ मैगजीन कमिटी इन द कॉलेज, और हर बार हम बसंत श्री नाम से कॉलेज की मैगजीन निकालते हैं हर वर्ष, और इस वर्ष भी इसे निकालने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे आपके आर्टिकल्स के साथ, आपके आपकी स्वरचित रचनाओं के साथ या छोटी कहानियों के साथ, लघु कथाओं के साथ। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको भेजना होगा आपको, जिसमें एक टाइप्ड मटेरियल चाहिए होगा हमें। टाइप्ड मटेरियल इन द सेंस कि आपको अगर इंग्लिश में कोई आर्टिकल आप दे रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को फॉलो करते हुए, और उसमें जो फॉन्ट की साइज होगी वो 12 रखेंगे और हेडिंग जो है वो 14 रखेंगे, और इस तरह से आप हमको ऑनलाइन अपने आर्टिकल्स, अपनी कविताएं या लघु कथाएं या अन्य अगर कोई आप इच्छा रखते हैं कुछ अन्य चीजें करने की, तो आप एक बार हमें बताकर स्वीकृति पा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स अपने आर्टिकल्स, अपनी कहानियां और जो भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, जो भी क्रिएटिव कुछ आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आप हमें भेजें और हम अपनी मैगजीन में उसको स्थान दें। तो इसके लिए हम एक नोटिस निकालेंगे जल्दी ही, शायद 2-4 दिन में आपके पास नोटिस पहुंच जाएगी जिसमें डिटेल्स होंगे उनसे संबंधित, और उसके आधार पर फिर आप जो भी एक डिसाइडेड डेट होगी उस समय तक अपने जो भी स्वरचित, जो भी क्रिएटिव राइटिंग होगी उसको आप हमें भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, ओवर टू पूनम दी। थैंक यू सुप्रिया। कॉलेज में आपका समुचित विकास होता रहे
इसके लिए कॉलेज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके तहत कॉलेज में दो कमिटियां हैं, NAC और IQAC नाम से, जो इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस, जो कॉलेज का जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए बताई गई हैं, ताकि जो चीजें आपको दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उससे समुचित तौर पे आपका विकास हो। जो चीजें मतलब समय परिस्थिति के साथ आप अपने आप को एडजस्ट कर सके और सही चीजों को आप प्राप्त कर सकें, सही समय पे सही चीजों को प्राप्त कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इंदु उपाध्याय मैम से कि कृपया वे NAC और IQAC के बारे में छात्राओं को थोड़ा सा अवगत कराएं। थैंक यू बी। IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की ओर से मैं सभी छात्राओं का हृदय स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। IQAC या इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल अश्योर करता है अब कॉलेज के डेवलपमेंट को, क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये सेल NAC या नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, ये हायर एजुकेशन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस करने के लिए एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई है नेशनल लेवल पर। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हर 5 सालों के दौरान असेसमेंट कराना होता है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि महाविद्यालय 2 बार NAC की विजिट करा चुका है। पहली बार की विजिट में जो हमें ग्रेड मिला वो B++ था और दूसरी बार की साइकिल में जो हमें ग्रेड मिला वो A। बच्चों मुझे ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जो IQAC है वो उसका एक मेन फंक्शन होता है अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करना, और मीटिंग इसलिए करना ताकि कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सके। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट द क्वालिटी ऑन योर साइड नीड्स टू बी एनकरेज्ड। तो जो आपका रोल है, क्योंकि आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कॉलेज के, तो आपका बहुत बड़ा रोल है। पहला रोल तो उसके विषय में तो बहुत कुछ स्टूडेंट एडवाइजरी भी कह चुकी है, उस पर मैं नहीं बोलूंगी। तो दूसरा आस्पेक्ट जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, आप बिल्डिंग की वो मजबूत ईंट है जिस ईंट के ऊपर हमें पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो समय चल रहा है वह समय इसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है अगर हम ध्यान से देखें तो। NAC अपने हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से खुद ही ऑनलाइन वे में मेल के थ्रू मिलता है, कुछ सवाल जवाब करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी छात्राएं ऑनलाइन वे में पढ़ रही हैं, मेल एक्सेस करना आ गया है और इस पर वेबसाइट को विजिट कर सकती हैं। पहले ये समस्या थी क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पद्धति से वेल वर्स्ड नहीं थे। आज की स्थिति में बच्चे वेल वर्स्ड हो गए हैं, मुझे ये समझाने की बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आपसे NAC बार बार आपके इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग सवाल पूछेगा, और मैं नहीं कहती कि आप उन सवालों को के बारे में किस तरह से जवाब देंगे, आप ये बेहतर समझते हैं कि उन सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाए। मुझे पूरी तरह से इस बात का विश्वास है कि हमारे यहाँ टीचिंग में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है। हमारा महाविद्यालय BHU के बेस्ट महाविद्यालयों में से एक है, क्योंकि
जो प्रेफरेंस लेवल प्रेफरेंस होता है आपका, उससे हमें समझ में आ जाता है। सबसे पहला प्रेफरेंस हमारे महाविद्यालय का होता है, तो टीचिंग में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है। बस मेरा ये कहना है कि आपको अगर NAC कंसल्ट करता, क्योंकि 22 में हमें जाना है NAC कराने के लिए, तो क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं और आपसे इंडिविजुअली NAC सवाल करेगा मेल के माध्यम से, तब उस समय पर आपको सवालों का सही सही उत्तर आना चाहिए। तो एक हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चनेयर आपको दिया जाए और वो क्वेश्चनेयर वैसे ही हो जैसे कि NAC इस तरह के सवाल पूछता है, ताकि आपको आपको समझ में आ सके। तो देखिए, बहुत से सवाल जो होते हैं वो सवाल थोड़े कठिन होते हैं और जो बच्चे जवाब देना चाहते हैं वो वास्तव में दे नहीं पाते। तो अगर इन केस जैसे आपको कोई इस बार क्वेश्चनर दिया जाता है, इन केस आपको किसी सवाल को समझने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पोजीशन में आप अपनी अध्यापिकाओं से, अपने अध्यापक से, अध्यापकों से बात कर सकते हैं और उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल है, ये इसमें स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो एक बहुत अच्छा सजेशन था हमारी महाविद्यालय की ही मेरी को कलीग है, उन्होंने ये सजेशन दिया कि हमारे हमारे IQAC का कोई लोगो नहीं है। तो अगर डॉक्टर गरिमा उपाध्याय का ये सजेशन था और ये सजेशन मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए फ्लो कर रही हूँ। तो हमारा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का सेल का कोई लोगो नहीं है, तो मैं स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी की मदद से एक कंपटीशन आयोजित करना चाहूँगी। मैं प्रिंसिपल मैम से भी बात कर लूँगी, उसके बाद स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी से कांटेक्ट करूँगी और मैं चाहूँगी कि जो छात्रा IQAC का लोगो बना पाए, उस लोगो को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमिटी, अकॉर्डिंग टू द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, अगर वो सही पाया जाता है तो उस कमिटी इस कमिटी में उस छात्रा को स्थान दिया जाए। क्योंकि हर इस बात को मुझे बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी सभी कमिटीज में हम स्टूडेंट्स को जगह देते हैं। बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इस समय पर हम फिजिकली आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, वर्चुअली ही आपसे मिल रहे हैं, तो इस मैं ये चाहूंगी कि ये ओपन कर दिया जाए, हर हर बच्चे को बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो IQAC का मेंबर बन पाए। तो मैं स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी से कांटेक्ट करके आपको कंपटीशन का डेट बता दूंगी और बता क्या दूंगी, आपके स्टूडेंट एडवाइजर आपसे बात कर लेंगे। और एक और चीज जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, आप अपने वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए। आपकी वेबसाइट्स पर जो हमारा SFR है, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, वो है हर साल का भेजा हुआ AQR एनुअल क्वालिटी अश्योरेंस रिपोर्ट है, उसे आप पढ़िए और उसके बाद अकॉर्डिंगली किसी भी डिसीजन को लेने के पहले उसे एक बार जरूर देखिए। ये महाविद्यालय के लिए भी अच्छा होगा और आपके अपनी पर्सनालिटी के लिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं, साल भर कई सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन मोड में ही हम कर पा रहे हैं, इस समय हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो वर्चुअल मोड में ही हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपका जो एक और स्टेक होल्डर, इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, आपके पेरेंट्स, उनके साथ भी हम मीटिंग को
बराबर ऑर्गेनाइज हर साल में कोशिश करते हैं दो बार, अगर नहीं भी हो पाता है तो कम से कम हम एक बार जरूर आपके पेरेंट टीचर्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये मैंने कोशिश करी है इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल के फंक्शंस को आपके साथ समझाने की, और ये प्रोसीजर बिल्कुल डेमोक्रेटिक होगा। और मैं पूनम जी को बता दूंगी कि आगे इस कंपटीशन का क्या कैसा खाका खींचा जाएगा। थैंक यू पूनम जी। ओके थैंक यू इंदु। तो जैसा इंदु मैडम ने आपको आईक्यूएसी के बारे में बताया, ये भी बताया कि आप वेबसाइट विजिट करते रहें रेगुलरली, क्योंकि वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड जो डाली जाती है, जिसको विजिट करने से आपको जानकारी प्राप्त होगी। अदरवाइज वेबसाइट पे आप देखते नहीं है और आप अनायास परेशान होते हैं और इधर उधर फोन कॉल्स करते हैं, और पेरेंट्स टीचर मीट भी ऑर्गेनाइज की जाती है कॉलेज के द्वारा टाइम टू टाइम, और इस बार भी जरूर की जाएगी और उसकी भी सूचना आपको यथा समय पर दे दी जाएगी, और ताकि आप अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर सके और वो उसको ज्वाइन कर सके और उनकी जो क्वेरीज हैं या जो समस्याएं हैं वो हमें बता सके और हम उसका यथासंभव समाधान प्रस्तुत कर सके। आईक्यूएसी से रिलेटेड ही जो हमारा दूसरा प्रोसीजर है फीडबैक का, कि आपका जो फीडबैक है जो कि हमारे कॉलेज की क्वालिटी को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुनीता मैम से, सुनीता दीक्षित जी से, कि वो फीडबैक कमिटी के बारे में बताएं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उसके लिए अवेयर हो सके। थैंक यू पूनम दी। और अभी इंदु दी ने, डॉक्टर इंदु उपाध्याय जी ने बहुत कुछ बताया आपको फीडबैक से रिलेटेड, तो वो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन ईयर मिलेगा, उस क्वेश्चन ईयर में जैसा मैम ने बोला कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप गलत जवाब देने से अच्छा और कुछ ऐसा जवाब दें जो अगले को समझ में ना आए, वे मतलब क्लियर ना हो कोई चीज, तो आप बेहतर होगा कि हम लोगों से संपर्क करें और आपको एक अच्छा क्वेश्चनर दिया जाएगा जिसमें सभी कुछ कवर किया जा सके कॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटीज का, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बार बार इस पर इम्फेसिस दिया जा रहा है, जैसे इंदु दी ने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो और बाकी जो इसके बीच बीच में और प्रोसीजर्स आते रहेंगे उसके लिए हम आपसे लगातार संपर्क में बने रहेंगे। इंदु दी, पूनम दी, हाँ बताओ। हाँ पूनम दी, मैं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में अभी बताऊँ या बाद में? नहीं बता दो। अच्छा, और इसके साथ एक और जानकारी मुझे देनी थी आपको स्टूडेंट्स, कि हमारे यहाँ दो सर्ट कोर्सेज चलते हैं, दीज आर एड ऑन कोर्सेज, दो कोर्सेज हैं। एक है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में चलाया जाता है। पिछले वर्ष हमारी परिस्थितियाँ विषम थी जिसकी वजह से नहीं चला पाए, बट इस साल हम लोग प्लानिंग में हैं इसे चलाने के, और 15 अगस्त के बाद से हम फॉर्म वितरण का कार्य शुरू करेंगे और इसकी नोटिस भी हम वेबसाइट पे भी डालेंगे। जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं या जब से फॉर्म मिलेगा इस तरह की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे भी डालेंगे। और ये जो कोर्स है ये 6 मंथ्स का है और फीस इसकी 5,000 है, ठीक है? तो आप इसका अवसर उठाएं। और ख़ास बात ये है कि ये जो भी कोर्सेज हैं, अभी अगला भी मैं आपको बताऊंगी, ये आप अपनी डिग्री को लेते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं, एड ऑन कोर्स, इसीलिए इसका नाम एड ऑन है। कि ऐसा नहीं कि आप बीए कर रहे हैं तो ये कोर्स या सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ही इसी पर्पज से किए गए हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एड ऑन कोर्सेज। दूसरा कोर्स है हमारे पास, एक्चुअली ये दो कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें एक है सर्टिफिकेट और एक है डिप्लोमा।
तो जो डिप्लोमा है वो सर्टिफिकेट का एडवांस फॉर्म है। अगर हम 9 मंथ्स का करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, और अगर आप इसका एडवांस वर्जन करते हैं जो कि 18 मंथ्स का है, 18 मंथ्स का है, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और इसकी जो फीस है दैट इज 4000 फॉर दिस कोर्स। और ये जो भी कोर्सेज चलाए गए हैं यूजीसी द्वारा चलाए जाते हैं, एड ऑन कोर्सेज हैं, और इनका जो मकसद है वो ये है कि आपका मैक्सिमम जो स्किल्स है वो डेवलप हो सके, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो सके, और आप मल्टी टैलेंटेड हो सकें। तो आई होप कि आप सभी, और अच्छा अगर आपको और भी जानकारियां प्राप्त करनी है तो आप इससे संबंधित विभागों से संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित जानकारी और अच्छी जानकारी वहां से प्राप्त होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड ओवर टू पूनम दी। ओके थैंक यू सुनीता। आपके ज्ञानवर्धन के लिए विभिन्न तरह के जो प्रयास महाविद्यालय के द्वारा किए जाते हैं उसमें, उसके साथ ही आपके उत्साह वर्धन के लिए महाविद्यालय में कई तरह की स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आरपी सर से कि वो स्कॉलरशिप और इसके साथ ही एंटी रैगिंग सब कमिटी के बारे में भी हमारी छात्राओं को अवेयर कराएं। हेलो, हाँ जी Hello. आवाज आ रही है जी जी जी। बच्चों इस ओरिएंटेशन एंड वेलकम सेशन 2021-22 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, और मुझे 2 मुद्दों पे बेटा आपसे बातचीत करनी है। जैसा कि आप महाविद्यालय के पुराने स्टूडेंट हैं, आप बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत सारे क्लासेस के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को आप जानते होंगे या मैम डॉक्टर लोगों ने आपसे बातचीत की होगी। फिर भी 1-2 चीजें हैं जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। जैसा कि पूनम मैम ने कहा, आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्कॉलरशिप, जिसको लेकर के आपके अंदर तरह तरह के प्रश्न होते हैं या आप उसको जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो बेटा स्कॉलरशिप 2 तरह की होती है। एक तो वो स्कॉलरशिप होती है या छात्रवृत्ति होती है जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को दी जाती है, जिसके कुछ नियम होते हैं और कुछ मानक होते हैं। उन नियमों और मानकों को पूरा करने वाले जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, और इसकी सूचना, इससे रिलेटेड जो सूचना होती है बेटा, ये महाविद्यालय की जो वेबसाइट है, चूंकि कोविड का दौर चल रहा है और हम लोग, मुझे लगता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और एमए फाइनल जिन भी स्टूडेंट से हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से, हम लोग शायद एक दूसरे से मिले नहीं है, ठीक है, ये सारे बच्चे नए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग मिलते हैं तो सारी चीजें बात हो जाती है, आप समझ लेते हैं। तो स्कॉलरशिप में वो चीजें, आप जब बीएचयू में आपका जब एडमिशन हो रहा था वहां पर भी इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ी थी, तो खास तौर से जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो विशेष तरह की छात्रवृत्तियां होती हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से आपको दी जाती है, उसकी एक स्कॉलरशिप का एक साइट होता है, ठीक है, आप वहां पे जा करके फॉर्म फिल करते हैं और उसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है यदि आप वो पूरा करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके अलावा जो मार्कशीट आपकी होती है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो बेटा यहाँ पे मैं बहुत डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको जब भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी या महाविद्यालय की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो जहां भी स्कॉलरशिप रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा उसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, जो आधार होता है स्कॉलरशिप भरने का, वो भी साथ में इंफॉर्मेशन रहेगा और आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो जो महाविद्यालय की स्कॉलरशिप कमेटी है उसकी इंचार्ज है
डॉक्टर गरिमा उपाध्याय मैम, मैम होम साइंस में हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, और महाविद्यालय में भी जो ऑफिस का नंबर है उस पर भी बात करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा एक विशेष तरह की स्कॉलरशिप होती है जो महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। कुछ विशेष तरह की छात्रवृत्तियां स्कॉलरशिप्स होती हैं जो महाविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती हैं, और ऐसे विशेष महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों में 16 अलग अलग टाइप्स की स्कॉलरशिप है जो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बच्चों को दिया जाता है। बेटा यहाँ पे डिटेल पढ़ना तो बहुत टाइम लगेगा, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जो बात है मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि यह जैसे मान लीजिए महाविद्यालय में सबसे ज्यादा सर्वोच्च अंक पाने वाली जो छात्रा होती है उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में टॉप करने वाली जो बच्ची होती है उसको दिया जा सकता है, या बीए फर्स्ट ईयर में टॉप करने वाला सेकेंड ईयर में टॉप करने वाला, ठीक है, या अलग अलग सब्जेक्ट में जो सोशल साइंस के हुए आर्ट्स के हुए उसमें टॉप करने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरह से 16 अलग अलग तरह की छात्रवृत्तियां हैं जो महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त किया जाता है, और उसमें उसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसका भी एक नोटिफिकेशन होता है बेटा महाविद्यालय के द्वारा से, महाविद्यालय की तरफ से, तो आप उसको पढ़ते हैं। और समय जो दिया जाता है, चूंकि ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं तो ऑनलाइन आपको स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरना पड़ता है, और जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसमें से, इसमें बहुत सारी 16 में से ज्यादातर स्कॉलरशिप ऐसी है जो सिर्फ एक कैंडिडेट को दिया जाता है, 3-4 ऐसे स्कॉलरशिप है जो 2 कैंडिडेट को दिया जाता है, और इसका जो सिलेक्शन होता है बेटा वो आपके सीजीपीए और आपके सीजीपीए के आधार पे आपका परसेंटेज निकाला जाता है, और उसमें जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है या जो ग्रेडिंग होती है बेटा आपका सब्जेक्ट वाइज उसके आधार पे जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा होता है उनको, अगर एक को देना है तो सबसे ज्यादा वाले को दिया जाता है, या दो को देना अगर दो को दिया जाने वाला है तो ऊपर से 2 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। तो बेटा ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। और एक चीज मुझे आपसे और बात करनी है, एंटी रैगिंग, ठीक है, एंटी रैगिंग बेटा आप लोग जानते ही हो। तो यह जो कमेटी है बेटा जो महाविद्यालय में बनी है, यह आपके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार किया जाता है या आपके सीनियर्स की तरफ से कोई आपको परेशान किया जाता है या बेवजह कुछ ऐसे काम कराए जाते हैं जो आपको नापसंद हो, ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, तो इन तमाम तरह के जो ऐसे ऐसे इस तरह की परेशानियां होती हैं ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं वो एंटी रैगिंग के अंतर्गत आता है। और चूंकि हम इसके हम लोग एक कमेटी बनी है, समिति बनी है महाविद्यालय की, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी अनुभव है जहां पे आप बेवजह प्रेशर महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, तो आप स्टूडेंट एडवाइजरी एंड डिसिप्लिन कमेटी की जो इंचार्ज है प्रोफेसर पूनम पांडे मैम, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो और भी कमेटी के जो मेंबर है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपको न्याय मिल सके, आपके केस को देख करके और जो उचित कार्रवाई हो किया जा सके। तो बेटा यही 2 बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, आपको बताना था। धन्यवाद पूनम मैम। और धन्यवाद जी। इसी के साथ जो है हमारे महाविद्यालय में एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी है, और मैं शांता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेल के बारे में भी बच्चों को बताएं, और इसके साथ साथ जो इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं कॉलेज की तरफ से महाविद्यालय के छात्राओं के लिए, उसके संदर्भ में भी वो हमारी छात्राओं को जानकारी प्रदान करें। शांता मैडम। धन्यवाद पूनम। सभी छात्राओं को स्वागत करते हुए, महाविद्यालय में अध्ययन करते समय आप लोगों को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे समस्याएं आप खुद जानते हैं, है ना, तो
और कई बार आपको ये समझ में नहीं आता है कि अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो इस समस्या को हम कहां बताएं जिससे कि इसका निस्तारण हो। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो आपकी हर कठिनाई के बारे में सुनेगी और आपकी कठिनाइयों का निवारण भी करेगी। इस समिति में मैं शांता चटर्जी और डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, डॉक्टर पूनम पांडे, डॉक्टर मीनू पाठक हम लोग हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा कार्यालय है वो कार्यालय भी हम लोगों के साथ आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सन्नद्ध रहता है। तो किसी प्रकार की समस्या होने पर आप इस कमिटी को चाहे व्हाट्सएप से हो चाहे फोन करके हो सूचित कर सकती हैं और जितनी शीघ्रता से संभव होगा हम लोग इस समस्या के निराकरण का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हमें आपको ये बताना है कि प्रायः कॉलेजेस में और विश्वविद्यालय में भी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती जिनमें संगीत की प्रतियोगिताएं, चित्रांकन की प्रतियोगिताएं है ना, म्यूजिक पेंटिंग से संबंधित, फिर वाद विवाद प्रतियोगिताएं इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इन प्रतियोगिताओं की जो सूचनाएं महाविद्यालय के पास आती हैं तो महाविद्यालय के द्वारा ये सूचनाएं छात्राओं को भेजी जाती हैं और उपयुक्त छात्राएं जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहती हैं उन्हें वहां भेजने की, अगर सामने से हो तो ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन भेजे जाने की व्यवस्थाएं करता है। और इसके लिए छात्राओं को तैयार करने में जो भी आवश्यक सहायता हो वो आवश्यक सहायता भी महाविद्यालय की ओर से, सहायता मतलब जैसे आपको कहीं अपनी स्वरचित कविता सुनानी है तो उस कविता को आप से पहले एक बार सुन लेना, आपकी आवृत्ति की कला को देख लेना, उसे सही कर देना। इसी प्रकार अगर वाद विवाद है तो वाद विवाद के विषयों को व्यवस्थित कर देना। यह सब कार्य इस महाविद्यालय के इस समिति के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन समितियों के अतिरिक्त एक बात मैं इस समय आप लोगों को बताना चाहती हूँ, विशेष करके उन छात्राओं के लिए जो छात्राएं इस समय द्वितीय वर्ष में यानी तृतीय सेमेस्टर में आई हैं। तृतीय सेमेस्टर आर्ट्स के साथ एक विषय सॉफ्ट स्किल के रूप में लेना होता है। सॉफ्ट स्किल के रूप में आपके पास विषय जो महाविद्यालय के द्वारा स्वीकृत है, ये विषय है योग, संस्कृत, संगीत गायन, संगीत वादन, चित्रकला और लॉजिक। ये सॉफ्ट स्किल है यानी प्रारंभिक शिक्षा है। ये इनमें से कोई ना कोई विषय आपको लेना ही है और चूंकि आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं तो आप इसमें से कौन सा विषय लेंगी यह तुरंत तय कर ले। हाँ, इसमें नियम यह है कि आप जो विषय लेना चाहती हैं वो आपके विषय समुच्चय में
नहीं होना चाहिए, पहले से नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास संगीत गायन है विषय के रूप में, तो आप सॉफ्ट स्किल में संगीत गायन नहीं ले सकती है। अगर आपके पास ऑनर्स या कोर के रूप में फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र, तो आप लॉजिक नहीं ले सकती। इसी प्रकार से भाषा के रूप में, कोर के रूप में या ऑनर्स के रूप में अगर आपके पास संस्कृत है, तो आप संस्कृत नहीं ले सकती। तो तुरंत आप ये तय कर लीजिए कि आपको किसको किस वे में सॉफ्ट स्किल में लेना है, और यह सूचना अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को लिखित रूप से यानी आप अपना नाम लिखेंगी, अपना ऑनर्स लिखेंगी और पूरा विषय समुच्चय भाषा समेत लिखेंगी, फिर कौन सा सॉफ्ट स्किल लेना है ये लिखेंगी, लिख करके उनके पास एकत्र करें, उनको भेज दें, ताकि शीघ्रता के साथ आपकी सॉफ्ट स्किल की कक्षाएं भी शुरू हो सकती। एक बार आप सबको फिर धन्यवाद देते हुए, अब मैं जानती हूँ ये कहने मात्र से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो उन समस्या का भी हम लोग समाधान करेंगे। एक बार आप सबको धन्यवाद दे रही हूँ। थैंक यू शांता दी। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं महाविद्यालय की लाइजन ऑफिसर डॉक्टर आशा यादव मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो एससी एसटी या डिसेबिलिटी या माइनॉरिटी से संबंधित अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसे में उनसे आप कांटेक्ट करें या उसके बारे में जो उचित जानकारी है वो डॉक्टर आशा मैडम आपको प्रदान करेंगी। तो आशा दी। हाँ पूनम जी, मेरी विजिबिलिटी है और मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? हेलो, आवाज है, सुन पा रहे? देख नहीं पा रहे। अच्छा सुन पा रहे? अच्छा, तो मैंने ऑन तो किया है कैमरा भी, अब पता नहीं मैं दिख पा रही हूँ। ठीक है मैं शुरू कर रही हूँ। इस आभासीय मंच पर हमारी प्राचार्य और हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत है। जैसा पूनम मैडम ने बताया कि एससी एसटी ओबीसी विकलांगता अल्पसंख्यक सेल हमारे महाविद्यालय का जो है वो किस तरह से आपकी सहायता करेगा, उसके विषय में मुझे आपको जानकारी देनी है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी, इस सेल के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। दूसरी बात कि हाशिए का जो समाज है और समाज के जो विद्यार्थी हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना। और तीसरी बात कि उन्हें भाषिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और व्यावसायिक रूप से, इन तीनों ही दृष्टियों से इस समुदाय के लोगों को विशिष्ट रूप से सक्षमता प्रदान करना। इन तीन उद्देश्यों से यह समिति हमारे महाविद्यालय में कार्य करेगी। और क्या कार्य करेगी वो ही मैं आपको बता रही हूँ। इसका सबसे पहला कार्य होगा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों या कार्यशालाओं का आयोजन करना, और इन प्रशिक्षण शिविरों और कार्यशालाओं के अंतर्गत आप का जो समुदाय है और आप वर्ग विशेष के जो बच्चे हैं, चाहे एससी एसटी हो, ओबीसी हो, विकलांग कोटे वाले हो या अल्पसंख्यक समुदाय के हो, आप सभी के भीतर अंग्रेजी संचार, कंप्यूटर कौशल, कारपोरेट शिष्टाचार, इन सभी के प्रति आपको विशिष्ट रूप से जानकारी प्रदान करना और आपके व्यक्तित्व के विकास और समग्र विकास के लिए आपको सक्षम बनाना। और
जो दूसरा है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें समय समय पर इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करना, और तीसरा जो प्रशिक्षण होगा वो प्रभावी गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा होगा, जिसके अंतर्गत आपको आपके भीतर जो छुपे हुए कौशल हैं उसको विकसित करना और उसमें आपको पूरी तरह से कुशल बनाना, ये इसका उद्देश्य होगा। और बच्चों, आप जानते हैं कि महाविद्यालय एक संगठित इकाई होता है, तो हमारे महाविद्यालय के जो अन्य भिन्न भिन्न समितियां हैं, है ना, और भिन्न भिन्न विषय हैं, जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा, होम साइंस डिपार्टमेंट हमारा, विमेन सेल उड़ान और IQAC, इन सब जो विषय और ये जो समितियां हैं, इनके द्वारा समय समय पर जो इस तरह के काउंसिलिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उनमें आपकी सहभागिता इस SC ST OBC विकलांगता अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, और समय समय पर आपको ये कमेटी ये बताती रहेगी कि आपको किस तरह के कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं और किन किन कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता अपेक्षित है। और इसके अतिरिक्त आपके भाषिक कौशल को, चाहे अंग्रेजी के विद्यार्थी हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे हिंदी के विद्यार्थी हो, आप सभी के भाषिक कौशल को विकसित करने के लिए और आप में भाषा संबंधी परिष्कार लाने के लिए हमारे यहाँ ट्यूटोरियल क्लासेस और रेमेडियल क्लासेस और कोर्सेस की भी व्यवस्था है। जैसे संस्कृत भाषा के अंतर्गत आप जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनमें संस्कृत में संभाषण का कौशल विकसित करने के लिए वाग्वर्धिनी सभा इत्यादि का आयोजन जो होगा, उसमें आप सभी बच्चे सहभागिता कर सकते हैं और वहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदी में मैं ट्यूटोरियल क्लासेस चलाती हूँ, उसमें आप आ सकते हैं और हिंदी में आप अपनी लेखन की क्षमता, बोलने की क्षमता, संभाषण और भाषण की क्षमता को विकसित करने का पूरा अवसर आपको इस समिति के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में भी आपके भाषिक परिष्कार और संस्कार के लिए अंग्रेजी विभाग के द्वारा भी UGC के द्वारा संचालित जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, वो चलाया जाता है, उसमें भी आप अपनी सहभागिता कर सकती हैं और अपने अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए जो भी आपकी सक्षमता है उससे आप स्वयं को समृद्ध कर सकती हैं। तो और इसके अतिरिक्त बच्चों, जो रिसर्च वाले बच्चे होंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि BHU की सोशल साइंस फैकल्टी में रिसर्च मेथडोलॉजी का की क्लासेस चलती हैं, रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं, संचालित होती हैं, और ये UGC कोचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, तो आप उसमें भी सहभागी हो सकती हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो जाता है तो आप हमसे एक अनुमति पत्र लेकर आप वहां जाएंगी और वहां आपको कक्षाओं में जाने की स्वीकृति प्राप्त होगी और वहां जाकर के आप क्लासेस कर सकती हैं। और भविष्य में हम लोग अपने महाविद्यालय में भी इस प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ी हुई क्लासेस शुरू करेंगे, संचालित करेंगे, ये हमारा प्राविधान है। तो इन सब बातों के साथ मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको बताई जा चुकी हैं, और इस दृष्टि से आप इस सुनिश्चित समुदाय के लोगों को कभी भी कोई असुविधा हो, कुछ और अधिक जानने और समझने की इच्छा हो, तो आप, मैं आशा यादव, मैं हिंदी विभाग में हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपको वेबसाइट से मेरे विषय में जानकारी भी मिल जाएगी। आप फोन नहीं करेंगे, आप अगर आपके समुदाय की कोई भी बच्ची मेरे क्लास में है, कक्षा में है, तो आप उस तरह से, और महाविद्यालय हम लोग रोज आते जाते हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको जानकारी लेना है आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं, और जिस समिति से जुड़ी हुई वो जानकारी आपको देने की आवश्यकता होगी उसको सूचित कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, और फिर
आप उस शिक्षिका से बातचीत कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू अपनी बात कर सकते हैं। ओवर टू पूनम। ओके, थैंक यू आशा दी। अब इसी संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अंजू मैडम से कि वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल के बारे में बच्चों को बताएं। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू सेमेस्टर एंड न्यू सेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल जो है वो किसी भी कॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट सेल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो आपका सेल है ये टोटली आपके लिए है। इस सेल का मेन पर्पस जो है वो हेल्प करना स्टूडेंट्स को टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, टू सॉल्व देयर इमोशनल प्रॉब्लम, एजुकेशनल रिलेटेड जो आपको करिकुलम है या पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी हो जा रही एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो जितनी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, आपको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है अगर, या एजुकेशन रिलेटेड कोई इशू है, तो आप इस सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम पे हमारा सेल जो है वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लेक्चर्स कराता है, कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड लेक्चर्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम्स होते हैं चाहे आपका UGC नेट है या आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड भी हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते हैं, लेक्चर ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। तो इन केस किसी भी स्टूडेंट को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो इस सेल से कांटेक्ट कर सकता है। इस सेल में मेरे अलावा, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे अलावा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा मैम है, डॉक्टर खुशबू मिश्रा मैम है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल्पना आनंदारम है जो कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नरंजना श्रीवास्तव मैडम है जो कि AIHC से हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे सेल की जो इंचार्ज हैं वो डॉक्टर अंशु शुक्ला हैं फ्रॉम होम साइंस डिपार्टमेंट। ये नाम मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि काउंसलिंग के लिए अभी आप आ नहीं सकते कॉलेज में, कोई बहुत सारे बच्चे बाहर हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। तो हमारे फोन नंबर्स भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। तो जैसा कि पूनम मैम ने आपको बताया कि 10 to 5 जो हमारा टाइमिंग है, कॉलेज का टाइमिंग है, उस टाइम में आप हम में से किसी से भी, जिससे भी आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे, जिससे भी आपको, क्योंकि आपकी बहुत व्यक्तिगत बातें भी हो सकती हैं तो आप जरूरी नहीं सबके सामने शेयर करें, जिससे आप थोड़े क्लोज होते हैं उससे ही, तो आप हम में से किसी भी टीचर से कांटेक्ट करके 10 to 5 के बीच में अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें बता सकते हैं। हम इनके लिए आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो जरूर अवेलेबल कराएंगे। और लेक्चर्स जो हम कराते हैं उसके लिए हम आपको, जो हमारा एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के माध्यम से हम आपको सारी सूचनाएं देते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू पूनम दी। थैंक यू अंजू मैम। अब मैं आशीष जी को बुलाना चाहूंगी। यदि भी ये थोड़ा ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं तो मेंटेनेंस और स्पोर्ट्स दोनों ही बहुत ज्यादा उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ पा रही है, हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स भी हमारी लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट के डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का जो रोल है और कैसे हम उनकी व्यवस्थाओं को कर पाएंगे, इसके लिए मैं आशीष सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया वे आए और हमारे बच्चों को बताएं कि हमारे महाविद्यालय में कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं। आशीष सर, हमें लग रहा है कि आशीष सर शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तो ऑफलाइन की व्यवस्थाएं नहीं है, पर फ्यूचर में जब भी अगले 2-3 महीने में हो सकता है चीजें व्यवस्थित हो जाएं और आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज आने लगे, उस केस में कॉलेज के मेंटेनेंस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे क्लासरूम्स को गंदा ना करें, इधर उधर कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक बैग्स इधर उधर ना फेंकें, जैसी जो चीजें हैं, या अगर आपका क्लास खत्म होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट ना करें, स्विच ऑफ कर दें क्लासरूम का, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप सब उससे अवेयर भी हैं और थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखेंगे। और स्पोर्ट्स जो है वो आपके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। कॉलेज में बहुत तरह के आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स खिलाए जाते रहे हैं,
क्योंकि अभी की विषम परिस्थिति में बहुत कुछ स्पोर्ट्स की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई है, फिर भी जैसा संभव होगा अगले 2-3 महीने में जैसी स्थितियां रहेंगी जो संभव होगा हमारी स्पोर्ट्स कमिटी जरूर आपके लिए स्पोर्ट्स के संदर्भ में भी कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्थाएं करेगी। इसी संदर्भ में मैं सुप्रिया मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे विमेन्स स्टडी सेल के बारे में बच्चों को बताएं। डॉक्टर सुप्रिया सिंह। सो मच पूनम जी। विमेन्स स्टडी सेल जिसको हमने उड़ान नाम दे रखा है, दैट एक्चुअली टॉक्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, एंड सिंस इट इज अ विमेन्स कॉलेज and we are in higher education institution, so the aim of higher education is not only to make you a degree holder, rather to strengthen yourself. So women study cell udan wo time and again aapke liye kuch lectures organize karta hai, kuch competitions organize karta hai, jisse aap padhai ke itar bhi bahut sari gatividhiyon se अपने आप को, अपनी खूबियों को, अपने स्किल्स को, अपने अंदर जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पाए और उसमें हम आपको और भी आगे ऐसी राह दिखाते चलते हैं जिससे आप उसमें और ज्यादा परिपक्वता पा सकें। तो विमेन स्टडी सेल जिसकी इंचार्ज डॉक्टर अंशु शुक्ला हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक लेक्चर ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें डिजिटल लिटरेसी पर बात की गई थी और इसके साथ ही साथ कैसे विमेन जो है अपने सेफ्टी को रेगुलेट कर सकें, इस पर भी एक लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था। आगे आने वाले समय में और भी इस तरह की बातें, इस तरह के विचार हम लोग साझा करते रहेंगे और आपसे विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आपको नोटिस दिए जाएंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी स्किल्स को पहचान सके, अपने आप को डेवलप कर सके और केवल अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खुद को कैसे निखारा जा सके, खुद का विकास कैसे किया जा सके, इससे आपको रूबरू कराएंगे। पूनम जी, थैंक यू। सुप्रिया, हमारे कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल भी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर संगीता देवड़िया मैम से कि प्लेसमेंट सेल के बारे में हमारे बच्चों को अवेयर करें। थैंक यू पूनम। जो महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल है, इसके वैसे तो मुख्य कार्य ये हैं कि जो इंटर्नशिप में स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए प्रोसेसिंग पूरी करना, कि उनको भेजने की व्यवस्था करने से लेकर के उनके सर्टिफिकेट तक कि उन्हें कहाँ जाना है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कार्य है कि अगर BHU में कोई प्लेसमेंट ड्राइव होती है, वहाँ के प्लेसमेंट सेल से जब हमें इंफॉर्मेशन आती है कि उसमें एलिजिबिलिटी और कैसे फॉर्म रजिस्टर्ड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी गाइडलाइन देते हैं अलग अलग जगहों पे अगर प्लेसमेंट के लिए, तो उसके तहत हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो वैसे तो कॉलेज में प्लेसमेंट का नोटिस बोर्ड होता है लेकिन इस समय हम लोग वर्चुअल ही सारे काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप पे नोटिस प्रोवाइड हो जाएगी यदि आती है आप लोगों के, और उस रेफरेंस में आपको फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देखना होता है। कुछ रजिस्ट्रेशन कॉलेज के थ्रू होकर के लिस्ट जा कर के लिस्ट वहाँ जाती है तब वो स्टूडेंट को कॉल करते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन में वो चाहते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्टली ही उसमें ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड करें। तो ये सारी चीज़ें आपको जिस भी कंपनी की प्लेसमेंट होती है उनके जब डिटेल्स आते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना होता है। तो कॉलेज के प्लेसमेंट सेल का मुख्य कार्य ये है कि जो भी वहाँ प्लेसमेंट ड्राइव की इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचाना और उसमें आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, किसी भी तरह से कि आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है या वहाँ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, ये प्लेसमेंट सेल यहाँ से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा यदि कहीं कोई रिक्वायरमेंट होती है और वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें आपके स्टूडेंट इस काम के लिए चाहिए या इस स्टोर के लिए चाहिए या किसी और वर्क के लिए किसी कंपनी में चाहिए, तो वो नोटिस हम बच्चों के बीच सर्कुलेट करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग के लिए पूरी कार्रवाई करके बच्चों को मदद करते हैं। तो ये कॉलेज के बेसिकली प्लेसमेंट सेल का कार्य है। थैंक यू संगीता जी। कॉलेज में जो है वो थियोसॉफी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया जाता है
और मैं मीनू मैडम से आग्रह करूंगी, डॉक्टर मीनू पाठक मैडम से, कि कृपया इस सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बच्चों को बताएं। हेलो जी दी, मेरी आवाज आ रही है? जी दी आ रही है, सुन पा रहे हैं? हाँ। आज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हमारे प्राचार्य, हमारे सभी सहयोगी शिक्षकगण एवं समस्त प्रिय विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी पूनम मैम ने आपको बताया, एक महाविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू हमारे प्राचार्य महोदया और हमारी मैनेजर मैडम और हमारी समिति के कॉलेज की सीनियर टीचर्स ने मिलकर एक प्लान किया था, जिसको उन्होंने 6 महीने के लिए बनाया था ये सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें बच्चों के आत्म मूल्यांकन, आत्म जागरूकता और संपूर्ण आत्म जागरूकता के साथ ही संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित लेक्चर्स कराए गए, और जो थियोसॉफी के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको बताया गया, विश्व बंधुत्व की बात से संबंधित, और बहुत सारी ऐसी मूल्यपरक शिक्षक पद्धति उसमें थी लेक्चर्स में, जिससे कि बच्चों को सुन के अपने जीवन के आगे के दर्शन को देखने की एक दृष्टि प्राप्त हुई उसमें, और हमारे यहाँ 50 बच्चे उस कोर्स को करके निकले। और उसके बाद विडंबना, आप सब जानते हैं कि कोविड का समय आ गया और उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करने के कारण हम सब रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, और आज इस आभासीय मंच से जुड़ के ये पूनम मैडम ने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे किया है, जिसमें सभी कमेटी के लोग अपनी अपनी बात हम लोग बच्चों के पास शेयर कर पा रहे हैं। उसके बाद प्राचार्य और मैनेजर और कमेटी के लोगों ने एक निर्णय ये लिया कि इसको अब सर्टिफिकेट कोर्स न करके डिप्लोमा कोर्स किया जाए। इसको डिप्लोमा कोर्स करने के लिए लोगों ने इसमें 1 साल की इसकी अवधि बना दी, और ये अब आगे ऑनलाइन चलता है इस क्लास को देखते हुए, या तो फिर ऑफलाइन जैसे भी हो सकेगा तब, अभी तो हम लोग ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो ऑनलाइन ही लेक्चर की बात कुछ करेंगे हम लोग। और इस सर्टिफिकेट कोर्स को आप सब ज्वाइन कर सकते हैं और अपना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की एक कड़ी के रूप में, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इस कमेटी का भी आपको पूरा निर्देशन प्राप्त होगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू दी। छात्राओं के समुचित विकास का प्रबंध महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है, ऐसे में आपके इमोशनल एंड सोशल आपकी जो दृढ़ता है, जो आपका विकास है, उसके लिए भी बहुत तरह की व्यवस्थाएं और बहुत तरह की समितियां कॉलेज में काम करती हैं। इसके संदर्भ में मैं महाविद्यालय में चलने वाली सर्जना समिति के बारे में बताने के लिए डॉक्टर अनुराधा बापली मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अनुराधा प्लीज आप छात्राओं को सर्जना कमेटी के बारे में बताएं। नमस्ते पूनम दी, और आप सभी छात्राओं का बहुत स्वागत है इस नवीन शैक्षणिक सत्र में, और सर्जना कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि सर्जना कॉलेज का साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है, और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्जना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, चाहे वो गीत संगीत नृत्य से संबंधित हो या वो शैक्षणिक पूरी तरह से एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स हो, वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, बट पहले की तरह वो ऑफलाइन ना होकर, आप सबको पता है कि इस वर्ष परिस्थितियां जो है वो
ऑफलाइन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने जैसी नहीं है, तो हम सारे प्रतियोगिताओं की तरह ही सर्जना के अंतर्गत भी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। और आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप कृपया कॉलेज की वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहें और उसके द्वारा आपको सभी प्रतियोगिताओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। और यदि आप इसके बारे में सर्जना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं या उनसे संबंधित प्रतियोगिताओं के विषय में जानना चाहते हैं, उनकी तिथियों के बारे में, तो वो सारी जो विस्तृत जानकारी है वो आपको कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होंगी। सो वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर योर वार्म पार्टिसिपेशन, कि आप सब जो है बहुत ही उत्साह के साथ उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूनम दी से आग्रह करना चाहती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा। इसी संदर्भ में मैं आगे एक जानकारी भी दे दूं कि सर्जना जो है वो हमारे कॉलेज का इंटरनल आपका कल्चरल एक फोरम है, जिसमें आपकी जो प्रतिभाएं हैं आपके अंदर की, उसके बारे में आप उस प्रतिभाओं के अनुरूप आप पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर कई बार आप खुद भी नहीं जानते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपके अंदर क्या प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। और इसी सिलसिले में हमारा यूथ फेस्टिवल, जो कि हमारी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो स्पंदन नाम से जाना जाता है, पिछले 2 वर्षों से विषम परिस्थितियों के कारण स्पंदन का आयोजन नहीं हो पाया है। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में स्थितियां अच्छी हो जाएं और शायद स्पंदन का आयोजन भी हो जाए। तो महाविद्यालय हमेशा प्रायः उसमें प्राइज विनर रहा है और हमारी छात्राएं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती रही हैं और विभिन्न पुरस्कार उनको प्राप्त होते रहे हैं। तो इस बार भी अगर स्पंदन आयोजित होगा तो संभवतः आप सब उसमें अपनी प्रतिभागिता देंगे। इसी क्रम में इस क्रम में और बताना चाहूंगी कि बच्चों सर्जना के अंतर्गत जो विनर परफॉर्मेंस होते हैं उनको स्पंदन में मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को जो है वो उनके सामने प्रस्तुत करे। तो सर्जना एक तरह से आपको अपनी प्रतिभा को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप कॉलेज लेवल पे उस परफॉर्मेंस में विनर होते हैं तो वो आपको स्पंदन में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। थैंक यू अनुराधा। सामाजिक तौर पे आपको चैतन्य करने के लिए, आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति आपको अवेयर करने के लिए महाविद्यालय में एनएसएस की यूनिट्स भी हैं। एनएसएस के बारे में जानकारी देने के लिए मैं शशिकेश सर से आग्रह करूंगी कि कृपया वो हमारे छात्राओं को एनएसएस ऑफिसर्स का नाम बता दें और एनएसएस के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्रदान करें। थैंक यू मैम, एंड आई होप कि माय वॉइस इज ऑडिबल। एंड नमस्ते आप सभी को, और स्वागत और अभिनंदन इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में कुल 5 इकाइयां कार्य करती हैं, जिसमें डॉक्टर मंजू कुमारी मैम हैं, इसके अलावा डॉक्टर पूर्णिमा मैम हैं, डॉक्टर आरती मैम हैं, डॉक्टर खुशबू मिश्रा मैम हैं और मैं हूं डॉक्टर शशिकेश डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। और इसके साथ ही ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, असल में इसकी शुरुआत जो है 1969 से होती है, जब महात्मा गांधी का सेंटेनियर बर्थ एनिवर्सरी कह सकते हैं था उस समय, और उसके पहले भी जब भारत में पहला शिक्षा आयोग आया था, राधा कृष्णन आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी कमीशन के भी नाम से जानते हैं हम सभी, तो उसने एक ऐसे स्कीम की बात की थी, खास तौर से जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे यंग आपके तरह जो विद्यार्थी हैं, उनका कैसे शिक्षकों और समाज के साथ सरोकार स्थापित किया जा सके, इस संदर्भ में एक स्कीम की बात की। और उसको लेकर तमाम पंडित नेहरू और दूसरी कमेटियों के द्वारा जो एक तरीके से उस पर काम किया गया, और इस रूप में हमको राष्ट्रीय सेवा योजना दिखाई देता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो ही है, अगर आप देखेंगे, नॉट मी बट यू, यानी कि पहले मैं नहीं पहले आप, इस संदर्भ में वो काम करता है। और ये एक तरीके से
कम्युनिटी सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस थ्रू द एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू द कम्युनिटी सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस थ्रू द एजुकेशन के मोटो पे भी काम करता है। यानी कि सामुदायिक जो सेवा की भावना है उसको कैसे जो है आपके अंदर विकसित किया जा सके और किस तरीके से जो है विद्यार्थी शिक्षक और समाज का जुड़ाव हो सके और एक समाज के लिए आप काम कर सके, इसके लिए जो है हमारे महाविद्यालय में जो 5 इकाइयां हैं वो काम करती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ उसका संबंध है और साथ ही अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जो एक पूरा मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये पूरे देश में काम करता है विश्वविद्यालय स्तर के साथ साथ हमारा महाविद्यालय चूंकि BHU से संबंध है उस संदर्भ में भी ये काम करता है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे या अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो उस संदर्भ में महाविद्यालय में समय समय पर नोटिस जो है हम यूनिट्स के द्वारा निकाले जाते हैं कि कैसे आप NSS को ज्वाइन कर सकती हैं, कैसे आप कम्युनिटी सर्विसेज कर सकती हैं और किस तरीके से आप राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे जो कैंप होता है और जो अच्छे करते हैं विद्यार्थी उनको आपको पता है कि जो हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है उसमें भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं और पिछले दिनों हमारे कॉलेज से भी कई विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो उस संदर्भ में भी आप अपने एक तरीके से योगदान कर सकती हैं। तो इसके साथ ही हम लोग अलग अलग रूरल एरिया में काम करते हैं, ऐसे कम्युनिटी सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए 7 डेज भी कैंप होता है और इसके साथ ही 1 डे कैंप होता है जो कराया जाता है 5 यूनिट्स के द्वारा और महाविद्यालय में उसका आयोजन किया जाता है। आप एक कैंप में एक दिन का 120 घंटे का श्रमदान करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगी तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी और समाज मिल के काम करता है और समाज के उत्थान के लिए काम कर सकता है। तो आप अपने अंदर की एक अलग से पर्सनालिटी का अनुभव करती हैं कि कैसे आप कम्युनिटी में वर्क कर सकते हैं, कैसे आप ऐसी चीजों के लिए काम कर सकते हैं एंड सोशल एब्यूजेस को रिमूव कर सकती हैं। ये जो है NSS आपको सिखाता है। NSS का लोगो ही अगर आप देखेंगी तो उसमें जो है एक तरीके का जो हमारा स्वर्ण मंदिर का व्हील है उसको रखा गया है जो प्रोग्रेस ऑफ लाइफ को दिखाता है। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं और कॉलेज के संदर्भ में इसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू शशिकेश सर। बस इसी के साथ चूंकि हमारा महाविद्यालय जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के कैंपस में स्थित है, ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ये जो डॉक्टर बेसेंट जो कि एक बहुत बड़ी विद्वान महिला, एक बहुत बड़ी शिक्षा शास्त्री थी और जिन्होंने हमारे समाज और विशेषतः हमारे समाज की महिलाओं, स्त्रियों, छात्राओं के विकास के लिए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की है, तो उन डॉक्टर एनी बेसेंट से रिलेटेड एक एनी बेसेंट स्पिरिट प्रोग्रेशन कमिटी भी हमारे महाविद्यालय में है और जिसके संदर्भ में मैं डॉक्टर मंजू मैडम से अनुरोध करूंगी कि छात्राओं को एनी बेसेंट स्प्रिट प्रोग्रेशन कमिटी के बारे में जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद पूनम जी। इस नए सत्र में आप सभी छात्राओं का महाविद्यालय की इस समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आवाज मेरी जा रही है दी? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह जो समिति है वो हमारे महाविद्यालय की स्थापना की जो प्रेरणा स्रोत, जो आद्य प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एनी बेसेंट है, जो एक उच्च चेतना से युक्त व्यक्तित्व थी, उन्होंने अपने जन्म स्थान को छोड़कर और विश्व बंधुत्व की भावना को प्रसृत करते हुए कर्म भूमि के रूप में भारतवर्ष को चुना और आकर के और समाज के जो आधी आबादी है उसको सुशिक्षित करने का प्रयास किया और उस प्रयास को सार्थक बनाते हुए जो महाविद्यालय के रूप में अभी हमें उनकी प्रेरणा से ही आगे चल करके संप्राप्त हुआ, उनकी प्रेरणा के पथ पर चलते हुए आगे मूर्त रूप अभी दिखलाई पड़ रहा है और निरंतर कार्य करता है। तो अपनी उस
प्रेरणा स्रोत के प्रति, उनके मूल्यों के प्रति, जिन मूल्यों को आत्मसात कर उन्होंने स्वयं न केवल परम सत्ता का अनुभव किया बल्कि अन्य लोगों को भी अनुभव करने का अवसर उपलब्ध कराया, तो यह महाविद्यालय, महाविद्यालय की यह समिति उनकी उस संचेतना से, उस प्रेरणा से आप सभी को, आप सभी छात्राओं को भी अवगत कराते हुए और अपने कौशल के साथ महाविद्यालय में, चूंकि अन्य समितियों के द्वारा आपको सूचनाएं दी जा चुकी है कि आपको विभिन्न तरह के कौशल और ज्ञानार्जन का अवसर तो प्राप्त होता ही रहता है, उसके साथ साथ जो अपने हृदय पक्ष को विस्तृत करने का अवसर के रूप में यह समिति अपनी उच्च चेतना से युक्त जो प्रेरणा स्वरूप डॉक्टर बेसेंट रही है, उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व से परिचित होने का, सुपरिचित होने का, उनको जानने का, जिन्होंने परम सत्य को आत्मसात किया, उनके नजदीक जाने का अवसर प्रदान करता है। और इस कड़ी में यह समिति उनके, डॉक्टर बेसेंट के जन्म तिथि को 1 अक्टूबर को उनकी जयंती के रूप में मनाता रहा है, इस वर्ष भी मनाएगा। कठिन परिस्थितियां हैं, हो सकता है ऑनलाइन हो, ऑफलाइन नहीं हो, किंतु उसके लिए उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से परिचित होने के लिए नेट पर भी सामग्री उपलब्ध है, तो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है ताकि आप उन विभूति के कर्तृत्व से परिचित हो सके, उनको और नजदीक से जान सके, उनको पढ़ सके। तो उस क्रम में आपको विभिन्न, हो सकता है निबंध प्रतियोगिताएं हो, क्विज प्रतियोगिताएं हो, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं हो, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, इस बार भी किया जाएगा। और मैं इस समिति की ओर से आप सभी छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि आप निश्चित रूप से उस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करें और एक महान व्यक्तित्व के से सुपरिचित होने का, उससे अपनी चेतना को समुन्नत बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू मैडम। हमें लगता है कि छात्राओं से संबंधित जितनी समितियां महाविद्यालय में कार्यरत हैं, प्रायः उन सबके बारे में छात्राओं तक जानकारी पहुंच गई है। इस क्रम में कार्यक्रम की औपचारिकता का संवहन करते हुए, हाँ, लाइब्रेरी के बारे में बताना था। लाइब्रेरी हमने बता दिया था कि कल, एक बार मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों को कि कल जो है वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी कमेटी है और उसका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कल 11:30 बजे से आयोजित किया जाना है, जिसकी सूचना आप तक पहुंच ही गई है। तो कृपया सभी बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी, और जो नहीं उपस्थित हैं उनके तक भी आप ये सूचना जरूर पहुंचा दीजिए कि सभी लोग उस ओरिएंटेशन को अटेंड करें। आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। लाइब्रेरी में आप किताबों को कैसे एक्सेस करें, कैसे अपने ज्ञान की सामग्रियों को ढूंढें और उनका प्रयोग करें। इस संदर्भ में अब कार्यक्रम समापन की ओर है और कार्यक्रम की औपचारिकता का निर्वहन करते हुए एक फॉर्मल थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर सुमन सिंह मैम से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे एक फॉर्मल थैंक्स देकर के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद पूनम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। धन्यवाद। छात्राओं के साथ ऑनलाइन के माध्यम से ओरिएंटेशन एवं स्वागत के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना श्रीवास्तव जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्न से ये कार्य संपन्न हो सका। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्र परामर्श समिति के सभी सदस्यों एवं विभिन्न प्रकार के समितियों के सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम में सहायता करने वाले सभी सदस्यों को जिन्होंने तकनीकी सहायता प्रदान की है, उन्हें मेरा हृदय से आभार एवं धन्यवाद। अंत में मैं अपनी प्रिय छात्राओं को हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिनकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। धन्यवाद पूनम।
सुमन जी को भी बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ सभी छात्राओं को एक बार पुनः उनके इस नए सत्र के लिए, आगामी सत्र के लिए हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और बाकी जो आपको जानकारियां अगर कुछ प्राप्त करनी होगी तो डिफरेंट जो कमिटीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करके अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।